नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पापू, हिसाब गलत है, 73 नहीं होगा, 78 होगा। अरे बिटिया, हम देख नहीं पाए, खुश रहो, शाबाश। मम्मी, I want to eat pumpkin today। ये कांसन से क्या आई है स्कूल से? मम्मी, पंपकिन में कद्दू होता है। मुझे नहीं पता रहा बेटी की कद्दू होता है। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा थे बेटी ते। अपने माँ साहब से बोल दो मुँह को सिखा दे अंग्रेजी बोलें। नो नो, यू ओल्ड वोमैन। आई मोरानी, कितनी अंग्रेजी सीख के आई है। चली स्कूल है, चली। हमें स्कूल नहीं जाना। अरे सुने, नया मास्टर आवा है, कलेक्टर ही छोड़ के पढ़ावे आवा है, चल। मम्मी, हमारी तभी तालियां तोल दई हैं, अब हम कितके थात तेले। चलो आज हम तुमको स्कूल भेज कर देखते हैं। लो बेटा। उषा देवी, प्रधान जी, क्यों बार बार हल्ला कर रहे? लड़के वाले उसे देखने आए, जाओ बाद में आना। ठीक। अरे माँ साहब, अभी हम बात करके आते हैं। अरे माँ साहब, क्या हुआ, कोई जरूरी काम था क्या? आप जाइए, बाद में मिलते हैं। अरे रुकिए ना, वो लड़का हमको पसंद नहीं है, वो तो हम बाबू के कहने पे गुड़िया बन के बैठे हैं। अच्छा जी। क्या बात है? उषा जी, अगर स्कूल से जुड़ी हुई थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो हम चाहते हैं कि बच्चे खुद बोएं, उगाएं और खाएं। इससे उनके अंदर खाने के प्रति सम्मान बढ़ेगा और धरती और पर्यावरण के संबंध में उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। और स्कूल में जो मिड डे मील के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। कितने बच्चे हैं? यही कुछ 90 के आसपास होंगे। अरे हम पूछे आपके खुद के कितने बच्चे हैं? हमारी शादी नहीं हुई अभी। प्रधान है ना बिटिया, तो मास्टर साहब आए हैं, बात करने जाना पड़ता है। तो करिएगा भी मत, नहीं तो दूसरों के बच्चों के बजाय अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचने लगोगे। ये जो क्रांति है ना, धरी की धरी रह जाएगी। चलिए ठीक है, करवाते हैं जमीन का बंदोबस्त। जी, कर लीजिए हमारे राज में सारे मौज। ओम सैना भवतु, सैनो भुनक्तु, सर्वीर्यं करवावहै, तेजस्विनाग्नि भवतु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माँ साहब, बहुत अच्छे आदेश जी। बच्चों के भोजन में ये मट्ठा और फल शामिल करने के लिए धन्यवाद। वाकई ये है संतुलित आहार। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं माँ साहब, ऑलरेडी हम अपराध बोध से मरे जा रहे हैं। बस अब बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जी। अरे ड्राइवर ससुरा पागल है, अरे गाड़ी में डीजल ही नहीं है। बोलिए, हम हमेशा 2-3 लीटर डीजल रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब तो लेट हो जाएगा, अब रहने दीजिए ना, फिर सही कभी आ जाएंगे। हाँ, अभी रहने देते हैं, चलिए रखते हैं। वाह वाह वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रहा है? स्कूल से आ रहा है का? अरे भाई देखा जाए, ये तो गजब हो गया है? नमस्ते यादव जी। नमस्कार माँ साहब, बस वो खाने का खुशबू जो है हमें अंदर खींच लाया। भाई खुशबू से लग रहा है कि खाने का अच्छा प्रबंध हो गया है स्कूल में। माँ साहब, हम सोचते हैं कि अपने लल्ला को भी
स्कूल में दाखिला दिलवा ही दें। बड़ी ही मेहरबानी होगी भाई। मेहरबानी तो आपकी होगी अगर थोड़ा सा खाना चखा देंगे तो। अरे क्यों नहीं, आइए। चलिए मां साहब चलते हैं। हमारे यहाँ एडमिशन होना मामूली बात नहीं है, बच्चों का टेस्ट होगा। सर ठीक है सर। सर हाँ? काफी देर से हम बाहर खड़े थे, एक बात कहनी थी। यस कहिए। सर सर हम जैसे तैसे करके 1000 रुपये फीस भर देते हैं साहब, लेकिन सर ये जो रोज आप 150 मंगवा लेते हो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है साहब। अरे तो ले जाइए ना सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और वहाँ के टीचर तो माशाल्लाह क्या पढ़ाते हैं, कलेक्टर बना देंगे आपके बच्चे को, ले जाइए पढ़ाइए वहीं। आप तो गलत समझ रहे हैं सर, हमारा मतलब वो नहीं था सर। हम आपके स्कूल को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है सर। ये है आपकी नई नई किताबें, और इसमें है अच्छी अच्छी कहानियां, और आपके सीखने के लिए खूब सारी चीजें। ठीक है तो एक एक करके अपनी किताब लेंगे और अपनी कक्षा में जाएंगे। वेरी गुड। तो आप आइए, सबसे पहले लीजिए, आप भी आइए। नमस्ते मास्टर साहब। आप लोग अब किताबें लेके कक्षा में चले जाइए। नमस्ते मास्टर साहब। नमस्ते मास्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए ना मास्टर साहब। वो क्या है कि भानु पब्लिक स्कूल में पढ़ाना बच्चे को थोड़ा भारी पड़ रहा है, तो हम चाह रहे थे कि आप ही के स्कूल में भर्ती करवा देते। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कल ही अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। मास्टर साहब हम क्या है ना कि हम देखना चाह रहे थे कि बच्चे कितना जानते हैं या कितना सीखे हैं, तो थोड़ा हम वो। आइए आप खुद ही पूछ लीजिए बच्चों से। हाँ ठीक है चलिए। मैं बताऊँ नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी से क्या करते होंगे ये बच्चे। गुड मॉर्निंग। तो आप इन्हें इतिहास के बारे में भी पढ़ाते हैं? जी हाँ, कल ही शिवाजी महाराज के बारे में बताया था। अच्छा तो हम पूछें जरा इतिहास। हाँ क्यों नहीं प्लीज। बच्चों आपको शिवाजी महाराज के बारे में कुछ पता है? बताइए। शिवाजी जंगल का राजा था। और कोई? वह घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ता था जैसे हम अपनी भैंसिया के ऊपर बैठ के लड़ते हैं। कल मैंने अपने हाथों से आपको लिख के दिया था ना? जी। तो बताइए, आप बताइए। छोड़िए मास्टर साहब, हमारे बच्चे के लिए तो भानु पब्लिक स्कूल ही ठीक रहेगा। चलते हैं। धन्यवाद। बुधिया बुधिया। आया मास्टर साहब। जी मास्टर साहब। एक डंडा लेकर आओ। जी डंडा लेकर आओ। कल मैंने आपको शिवाजी के बारे में बताया था ना, तो आपको याद क्यों नहीं रहा? मासा इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, आपके शिक्षक की गलती है, और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। करें मां साहब, मां साहब छोड़े डंडा। अरे अरे अरे, अरे मां साहब ये क्या कर रहे हैं आप बताइए। मां साहब पागल हो गए क्या? हैं पूरा हाथ लाल कर दिए।
साले, मेरा ही घर मिला था चोरी करने के लिए साले। माफ कर दो जिलेदार सिंह के यहाँ तुम लोग की ये हिम्मत, माफ कर दो। देखो गांव वालों, देख लो इन दोनों लफंगों को, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने अपने घर में चोरी करते हुए। अच्छा किया ये ससुर है, जब देखा गांव की लड़कियों को छेड़ते। नहीं नहीं माफ कर दो, समझते शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इन्हें मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। आप बीच में मत पड़िए, इन्हें हमारे हवाले छोड़िए, हम ही ठीक करेंगे इन्हें। और क्या, देखिए आप लोगों का गुस्सा जायज है, बिल्कुल आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन इन्हें सुधारने का एक मौका तो दीजिए आप लोग। मैं यहाँ मास्टर बनने से पहले बाल सुधार गृह में था, अगर एक बार इन्हें हमने पुलिस को दे दिया तो हमेशा के लिए अपराधी बन जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा मासा, ये ऐसे भी अपराधी है ससुरे, इनका क्या बनना है। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप लोग शांत हो जाइए। पकड़ लो, क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए, शांत हो जाइए, एक मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए आप लोगों का कहना बिल्कुल उचित है, इन लोगों को पुलिस में ही दे देना चाहिए, लेकिन अगर माँ साहब इनके आगे किए हुए गलत काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो उनकी बात मानने में एक बार बुराई का है। तुम तो जानती हो, फिर भी कह रही हो ऐसा। मैं गारंटी लेता हूँ, आप ले रहे हैं। सोच लीजिए माँ साहब, अगर आगे इन्होंने कुछ भी किया तो हम सब आपको जिम्मेदार, बिल्कुल आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। हाँ देख लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर मत कहिएगा। हाँ कुछ भी करेंगे आपकी जिम्मेदारी होगी, हम कुछ नहीं जानते। हाँ सोच लीजिए माँ साहब, आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी। मेरी बात सुनिए, मुझे स्वीकार है। अगर आपको स्वीकार है तो फिर ठीक है, दे देते हैं मौका एक बार फिर। ठीक है चलो भाइयों, चलो 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 छोड़ो, चलो छोड़ो अभी अपने माता माफ कर दो राजा, आपने भगवान के रूप में हमें बचाया। चलो खड़े हो जाओ, आप गलती नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। पैदाइशी गड़बड़ी है। नहीं माँ साहब, ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये दोनों घोषित चोर बदमाश है। कल स्कूल में कोई गड़बड़ी होगी तो जवाबदेही हमारी होगी। सर मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये लोग बच्चों को खेल कूद और नाच गाना सिखाने में हमारी मदद करें, बाकी गांव वालों के सामने मैंने इनके व्यवहार की गारंटी ले ली है। अरे मां साहब, एक खराब पानी है, क्यों बच्चों के स्वच्छ मन में गंदगी घोल रहे हैं आप? जितेंद्र जी, कोई भी पानी अपने आप खराब नहीं होता। ये क्या है? स्वच्छ पानी। जी ये स्वच्छ पानी है। अब ये क्या है? इंक है। जी ये इंक है, ये पानी गंदा हो गया है। जी ये वो गंदगी है जो बच्चों के स्वच्छ मन में ये समाज डालता है, और ये सब शिक्षा की कमी की वजह से होता है। वही तो हम कह रहे हैं, ये गंदगी मिटेगी कैसे? ये गंदगी मिटेगी सर। जब हम नए और अच्छे विचार डालना शुरू कर देते हैं तो पुराने और गंदे विचार अपने आप बाहर निकल जाते हैं, और ये विचार डालने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। प्रिंसिपल साहब, अगर समाज व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं देता तो अपनी जड़ें खुद ही खोद रहा होता है। महर्षि आदिकवि महर्षि बनने से पहले एक रत्नाकर डाकू थे, अंगुली माल खूनी बर्बर होने के बावजूद एक बौद्ध शिक्षक बना। ठीक है, आप हमको एक लिखित पत्र दीजिए कि इन दोनों की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी मेहरबानी सर। ठीक है, माशा जरा इनका डेट ऑफ बर्थ हमको बताइएगा, एक पंडित जी हैं उनसे इनकी कुंडली दिखानी है। सुनिए अपनी भी कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि अब बुरे ग्रह आपके भी शुरू होने वाले हैं। Ha ha ha.